हाय फ्रेंड्स, मैं निकी आप लोगों का स्वागत करती हूं इस वीडियो ट्यूटोरियल में, जहां हम सीखते हैं अकाउंट्स विद टैली। दोस्तों, यूट्यूब पे हम कुछ सैंपल प्रमोशनल वीडियो ही अपलोड करते हैं। अगर आप हमारी कंप्लीट वीडियो चाहते हैं तो आप हमारी डीवीडी खरीद सकते हैं। तो चलिए टॉपिक स्टार्ट करते हैं। पिछले क्लास में मैंने आपको टैली के कॉन्सेप्ट के बारे में बताया था, जैसे ओवरव्यू, हिस्ट्री, वर्जन, स्कोप, प्रिपरेशन ऑफ द लर्निंग, ये सब टैली के कॉन्सेप्ट हैं। और आज मैं आपको अकाउंट के कॉन्सेप्ट के बारे में बताने जा रही हूँ। तो देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ अकाउंट। अकाउंट के तीन भेद हैं, एक पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट के अंतर्गत पर्सन, फर्म और कंपनी आते हैं। रियल अकाउंट के अंतर्गत थिंग्स एंड एसेट्स आते हैं। नॉमिनल अकाउंट के अंतर्गत एक्सपेंसेस एंड इनकम आते हैं। तो दोस्तों, पर्सनल अकाउंट क्या है? कोई भी वस्तु जो हमारा खुद का हो, जैसे कैपिटल, एक ड्राइंग, बैंक में अकाउंट, निजी संस्था में कोई कंपनी हो, जैसे ABC लिमिटेड, आशा टेड्रस, ETC। रियल अकाउंट जो वस्तु व्यापार में आए, जैसे कैश, बिल्डिंग, फर्नीचर, मशीन, मोबाइल फोन, कंप्यूटर, ETC। नॉमिनल अकाउंट वैसा खाता जो हमें आय एवं लाभ, व्यय एवं हानि के बारे में बताता है, जैसे वेजेज, रेंट, स्टाफ सैलरी, परचेज, सेल्स, डिस्काउंट। दोस्तों, आगे हम चलते हैं इन अकाउंट्स के रूल्स के बारे में। अकाउंट के ये रूल गोल्डन रूल के नाम से जाने जाते हैं। पर्सनल अकाउंट डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द रिपर गिवर। पाने वाले को डेबिट करना है तथा देने वाले को क्रेडिट करना है। रियल अकाउंट्स के रूल हैं, डेबिट व्हाट्स कम इन एंड क्रेडिट व्हाट्स गोज आउट। जो वस्तु व्यापार में आए उसे डेबिट करना है तथा जो वस्तु व्यापार से जाए उसे क्रेडिट करना है। नॉमिनल अकाउंट्स के रूल हैं, डेबिट द एक्सपेंसेस एंड लॉस, क्रेडिट द इनकम एंड गेन। व्यय एवं हानि को डेबिट करना है तथा आय एवं लाभों को क्रेडिट करना है। आइए हम जाने गोल्डन रूल्स के कुछ एग्जांपल। जैसे अगर हम पर्सनल यूज के लिए कुछ कैश विड्रॉ कर रहे हैं, तो वो पर्सनल यूज हमारा ड्राइंग अकाउंट होता है, तो हम ड्राइंग अकाउंट को डेबिट करेंगे और कैश अकाउंट को क्रेडिट करेंगे रूल के हिसाब से, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर के। रियल अकाउंट में अगर कोई थिंग्स हम परचेज कर रहे हैं तो रूल के हिसाब से देखते हैं, डेबिट व्हाट्स कम इन, जो वस्तु आए उसे हम डेबिट करेंगे। तो फर्नीचर हम परचेज कर रहे हैं तो फर्नीचर को हम डेबिट करेंगे। और क्रेडिट व्हाट्स गोज आउट, कैश हमारे हाथ से जा रहा है तो उसे हम क्रेडिट करेंगे। नॉमिनल अकाउंट के रूल्स के हिसाब से डेबिट द एक्सपेंसेस एंड लॉस एंड क्रेडिट द इनकम एंड गेंस। अगर हम किसी को सैलरी पेड कर रहे हैं, वो हमारा एक्सपेंस है, तो उसे हम डेबिट करेंगे। और बैंक किसी भी चेक से हम उसको सैलरी पेमेंट किए हैं तो वो कोई ना कोई बैंक का होगा, तो हम बैंक अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। चलिए आगे हम जाने अकाउंट्स के इम्पोर्टेंट पॉइंट को, बुक कीपिंग। ये बुक कीपिंग क्या है? पुस्तपालन। यह एक रिकॉर्डिंग की ऐसी कला है जो बिजनेस ट्रांजैक्शन को सिस्टमेटिक रूप से मैनर करता है। बुक कीपर बुक कीपिंग का काम करता है और अकाउंटेंट अकाउंटिंग का काम करता है। बट एन अकाउंटेंट इज बेटर देन अ बुक कीपर। बट अ बुक कीपर इज नॉट बी एन अकाउंटेंट। आगे हम अकाउंटिंग के बारे में जानते हैं। अभी तक तो मैंने आपको अकाउंट्स के कॉन्सेप्ट के बारे में बताया था, और ये अकाउंटिंग क्या है? तो आइए हम जाने, यह अकाउंटिंग एक बिजनेस लैंग्वेज है, व्यवसाय की भाषा है, और इसके बहुत सारे सिस्टम हैं, जैसे कैश अकाउंटिंग सिस्टम, कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम, इंडियन अकाउंटिंग सिस्टम, सिंगल अकाउंटिंग एंट्री सिस्टम और डबल अकाउंटिंग एंट्री सिस्टम। और यह सिस्टम लुकास पेसियोली के द्वारा 1494 में स्टार्ट किया गया था, सिर्फ डबल अकाउंटिंग एंट्री सिस्टम। और इसी डबल अकाउंटिंग एंट्री सिस्टम से ही हम टैली में वर्क करते हैं।
बगैर डबल अकाउंटिंग एंट्री सिस्टम के हम टैली में वर्क नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगली क्लास में हम आपको बताएंगे कि टैली में डबल अकाउंटिंग एंट्री सिस्टम का यूज कैसे किया जाए। तो अब अगले टॉपिक पर अगले क्लास में बात करते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। अगर आपको कोई डाउट है तो दिए गए नंबर पर कॉल करें। और आप हमारी DVD परचेज करना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट www.iptindia.com पर लॉगिन कर सकते हैं। थैंक्स, हैव अ नाइस डे।